नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पहाड़ी रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज का काम पिछले 10 दिनों से धीमी गति से चलते, क्या मानसून से पहले ब्रिज का काम पूरा होगा कि नहीं, इस पर तंत्र के सामने उठे सवाल। गदर कार्य में उपयोग किए जाने वाले कुछ पियर पार्ट्स कम पड़ते पुल का काम 10 दिनों से बंद है। किसान दिलीप भाई देसाई ने यह जानकारी दी। वलसाड़ के घड़ोई गांव में कपड़े सुखाते समय करंट लगने पर सास ने बहू को बचाया, लेकिन सास की मौत हो गई। घर के सामने तार पर कपड़े सुखाते समय बिजली के खंभे से करंट पास होते बहू को करंट लगते अस्पताल ले जाया गया। उदवाड़ा भगिनी समाज स्कूल में पढ़ाई कर दो छात्र डॉक्टर और पीएसआई बनकर नाम रोशन किया। प्रीति वसावा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बनी और जयश्री पुरोहित पुलिस सब इंस्पेक्टर बनी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पहाड़ी रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज का काम पिछले 10 दिनों से धीमी गति से चलते, क्या मानसून से पहले ब्रिज का काम पूरा होगा कि नहीं, इस पर तंत्र के सामने उठे कई सवाल। पहाड़ी रेलवे स्टेशन पर फ्लाईओवर ब्रिज का काम लंबे समय से चल रहा है, जो कि सिस्टम को मई तक चलाने पर सहमति बनी थी, लेकिन अब पता चला है कि होली के बाद पिछले 10 दिनों से फ्लाईओवर ब्रिज का काम बंद है। पुल का काम बेहद धीमी गति से चल रहा है, जैसे ऐसा नहीं लगता कि पुल का काम चालू मानसून से पहले पूरा हो पाएगा। उमर साड़ी देसाईवाड़ के किसान दिलीप भाई देसाई ने कहा कि जब आम का मौसम शुरू हो रहा है तो पाड़ी उदवाड़ा तक आम ले जाने के लिए लंबा चक्कर लगाने के कारण किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उमर साड़ी देसाईवाड़ और माछीवाड़ शहर वासियों को पाड़ी आने जाने के लिए स्टेशन के पास वाहन खड़ा करने की कतार 1.5-2 साल से लग रही है। स्थानीय लोगों, छात्रों, नौकरशाहों, व्यवसायी वर्ग को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि पटरियों के बीच खड़े होकर जान जोखिम में डालकर मालगाड़ी को गुजारना पड़ा। साथ ही पता चला कि गटर के काम में लगे कुछ स्पेयर पार्ट्स की वजह से पुल का काम 10 दिनों से रुका हुआ है, जिसके लिए उन्होंने जिम्मेदार सिस्टम और एजेंसी के खिलाफ नाराजगी जताई। किसान दिलीप भाई देसाई ने कहा कि अब कोई गारंटी नहीं है कि पहाड़ी रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज का काम कब पूरा होगा। फिर स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि सिस्टम बरसात से पहले पुल का काम पूरा कर लेगी। उधर उमर साड़ी माछीवाड़ की और पुल का काम शुरू न होने से माछीवाड़ के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। पारडी અને ઉમરસાડી ને જોડતો રેલવે ઓવરબ્રિજ નું કામ છેલ્લા ઘણા વખતથી ચાલી રહ્યું છે અને વારંવાર ડેડલાઇન આપે છે કે માર્ચમાં કમ્પ્લીટ થઈ જશે, એપ્રિલમાં કમ્પ્લીટ થઈ જશે અને અત્યારે સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ, વેપારી વર્ગ, નોકરિયાત વર્ગને એટલી બધી તકલીફ પડે છે આવવા જવા માટે, પર્ટિક્યુલર ઉમરસાડીની આ માણસોને ઘણી વખત તો ફ્રેટ કોરિડરનું જે 2 નવા ટ્રેક બન્યા છે ત્યાં બી કામો ચાલતા હોય, ગુડ્સ ત્યાં ઉભેલી હોય અને લોકો પોતાના જાનને જોખમમાં મૂકીને બ્રિજ રેલવે ગુડ્સની નીચેથી પોતા પસાર થઈને પોતાના જાનને જોખમમાં મૂકી છે। હવે આટલી હેરાનગતિ પછી પણ હજુ સુધી ઓવરબ્રિજ બન્યો નથી, વારંવાર એ લોકો તારીખ લંબાવે છે। અત્યારે તો એવું સાંભળ્યું છે કે છેલ્લા 10 દિવસથી કામ જ નથી ચાલતું, કંઈક પાર્ટ્સ ઘટે છે। તો આટલું બધું મિસમેનેજમેન્ટ અને આટલા બધા પબ્લિકોને હેરાનગતિ થતી હોય ત્યારે રેલવે ઓથોરિટીને મારી નમ્ર વિનંતી કે
એ જલ્દીથી જલ્દી આ કાર્ય પૂર્ણ કરે અને લોકોની સગવડ સચવાઈ જાય એવું કરે. અને સંકલ્પ ન્યૂઝ સામાન્ય વ્યક્તિને પડતી તકલીફોને હંમેશા વાચા આપતા આવી રહ્યું છે, એટલે સંકલ્પ ન્યૂઝને પણ મારી રિક્વેસ્ટ છે કે તમે પણ રેલવેના આરએમ અને ડીએમને રજૂઆત કરો. અમારી જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં અમે પણ તમારી સાથે જોડાયેલા છે, પરંતુ આ કાર્ય કામ પહેલી તકે પૂરું થવું જોઈએ. હાલના તબક્કે 10 દિવસથી રેલવે ઓવરબ્રિજનું કામ સંપૂર્ણ બંધ છે કોઈક સ્પેરપાર્ટના કમીને કારણે. તો આટલું મિસમેનેજમેન્ટ હોય ને આટલી બધી તકલીફ પડતી હોય તો આ લોકોએ આને પ્રાયોરિટી આપીને યુદ્ધના ધોરણે આ કાર્ય પૂરું કરે એવી રેલવે મેનેજમેન્ટને મારી નમ્ર વિનંતી. परिवार के साथ वलसाड तालुका के घड़ोई गांव के नाई की वार्ड में रहते थे. बुधवार को परिवार के लोग व्यवसाय व रोजगार के लिए घर से निकले थे. देवीबेन नायका और बहू गीताबेन मेहुल भाई नायका घर का काम कर रहे थे. कपड़े धोने के बाद गीताबेन घर के सामने तार पर कपड़े सुखा रही थी. इसी दौरान घर के पास लगे बिजली के खंभे में अचानक करंट प्रवाहित हो गया और कपड़े सुखा रही गीताबेन को करंट लग गया. बहू की चीख सुनकर सास देवीबेन तुरंत बहू की मदद के लिए पहुंची. वहीं देवीबेन अपनी बहू को बचाने की कोशिश में करंट की चपेट में आ गई. देवीबेन को करंट से झुलसता देख बहू चिल्लाई तो स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े. उसी दौरान देवीबेन की मौत हो गई. करंट की चपेट में आई गीताबेन को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. घटना की सूचना स्थानीय नेताओं को दी गई. स्थानीय नेताओं ने घटना की सूचना वलसाड ग्रामीण पुलिस और बिजली कंपनी को दी. वलसाड ग्रामीण पुलिस ने देवीबेन के शव को कब्जे में ले लिया और आगे की जाँच कर रही है. वही बिजली कंपनी की टीम ने बिजली के खंभे से करंट लीक होने का कारण जानने का प्रयास किया है. घटनानो कारण ये छे के हमना वो जे कपड़ा नाखता रो सवारे 7 वागे अने हमारे वीज करंट पास थयो ने हमने करंट लागवाथी हमने बूम करी अने पछी एनी सासूजी देवीबेन बचावा माटे गया अने અમને પછી કરંટ લાગી 108 બોલાવી અને પછી દવાખાને પરત લઈ ગયા અને ત્યાં અમને અપઘોષિત કરી આવે. અને ત્યાર પછી એમની વહુને પણ કસ્તુરબા હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરી હતી. હાલ સારવાર દરમિયાન તબિયત સારી છે. हाल ही में गुजरात हायर सेकेंडरी बोर्ड और सेकेंडरी बोर्ड ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षा आयोजित की थी. वहीं दूसरी और ग्रेजुएशन यानी कॉलेज की परीक्षाएं भी शुरू हो गई है और छात्र पास होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि वे जीवन में कुछ भी कर पाएंगे. तब पारडी तालुका के उदवाड़ा गाँव के भगिनी समाज हाई स्कूल में पढ़ने वाली उदवाड़ा गांव की दो बेटियां ऐसे गौरवशाली पद पर पहुंची जिसमें भगिनी समाज हाई स्कूल से पढ़ाई कर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बनी प्रीतिबेन कनुभाई वसावा और पुलिस सब इंस्पेक्टर बनी जयश्रीबेन सुरेश भाई पुरोहित. दोनों ने स्कूल परिवार के शिक्षकों के प्रति आभार जताया और प्रतिष्ठित पद मिलने पर खुशी जाहिर की. नमस्ते, मारू नाम जयश्रीबेन सुरेशभाई पुरोहित छे. हूँ एक असिस्टंट सब इंस्पेक्टर छूँ. मारू स्कूलिंग उदवाड़ा भगिनी समाज हाईस्कूल माथी थयु छे. आजे हूँ खूबज धन्यवाद करवा इच्छीस मारा रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैडम अने सर नो के जिमना थकी हूँ आजे आ मुकाम पर पहुंची छू के जिमना सतत मार्गदर्शन हेठळ आजे खाखी पहेरवानुं मारुं आ सपनुं साकार थयुं छे अने देशनी सेवा करवानो मने अवसर मळ्यो छे. थैंक यू सो. नमस्ते, मारुं नाम डॉक्टर प्रीति कनुभाई वसावा छे. हूँ एक गायनेक सर्जन एटले के स्त्री रोग निष्णांत छू.
મારું સ્કૂલિંગ ઉદવાડા ભગિની સમાજ હાઈસ્કૂલમાંથી થયું છે. ખૂબ જ ધન્યવાદ કરવા ઈચ્છીશ અમારા રિસ્પેક્ટેડ પ્રિન્સિપલ, મેડમ અને સરને કે જેમના થકી અમે આજે આ મુકામ પર પહોંચ્યા છે અને જેમના માર્ગદર્શન હેઠળ, સતત માર્ગદર્શન હેઠળ અમે અમારી અચીવમેન્ટ હાંસિલ કરી છે. થેન્ક યુ સો મચ પ્રિન્સિપલ સર, મેડમ એન્ડ ઓલ ધ સિલવાસામે જામા મસ્જિદ પર રોજેદારોને 29મે રોજે કી ઇફ્તારી કી. सिलवासा की जामा मस्जिद में 29 तारीख को रोजेदारों ने रोजा खोला. भारत में आज चांद नहीं दिखा, इसलिए रोजेदार अब 30 रोजे पूरे कर 11 अप्रैल को ईद मनाएंगे. आरिफ शेख ने कहा कि रोजेदारों ने आज पूरे देश की खुशहाली के लिए दुआ की. कल ईद मनाई जाएगी. कल ईद के मुबारक मौके पर सुन्नी मस्जिदों में 2 नमाजें अदा की जाएगी. हमारी दुआ है कि खुदा सभी रोजेदारों का रोजा कबूल करे. आज इफ्तार पार्टी दी गई तो किसकी तरफ से दी गई और खास करके कितने लोगों को इफ्तार पार्टी दी गई? आज जो इफ्तार का कार्यक्रम था, आयोजन था, वो हमारे युवा नेता अभिनव डेलकर की तरफ से था और इसमें करीब 1000 लोगों ने भाग लिया था और लोगों ने काफ़ी उत्साह के साथ में इस आयोजन का मैं शामिल हुए थे. इफ्तार पार्टी के साथ साथ नमाज भी पढ़ी गई आपके यहाँ? बिल्कुल, इफ्तार पार्टी के साथ में नमाज होती है और नमाज में तमाम मुस्लिम बिरादरों ने इस प्रदेश के भाईचारे के लिए दुआ मांगी. साथ में लोगों ने इस प्रदेश में हमेशा अमन और चैन बना रहे और हमेशा इस प्रदेश की तरक्की हो, ऐसी भी लोगों ने आज दुआ मांगी. पाड़ी तिगरा के दीपक कुमार देसाई को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया है. पाड़ी तिगरा के दीपक कुमार देसाई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया है. पाड़ी तालुका के तिघरा गांव के दीपक कुमार गुलाब भाई देसाई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनकी आने वाली 2 पुस्तकों यादों के गुब्बारे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए दीपक कुमार देसाई को शुभकामना संदेश भेजकर सम्मानित किया है. इससे पहले दीपक कुमार देसाई को केंद्रीय मंत्री परषोत्तम भाई रूपाला और महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैज से भी बधाई संदेश मिल चुका है. इस प्रकार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दीपक कुमार देसाई को शुभकामना संदेश भेजा, जिससे वलसाड जिला और अनाविल समाज गौरवान्वित हुआ. दीपक कुमार देसाई को दादा साहब फाल्के सहित 12 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और पाड़ी तालुका का नाम रोशन किया. उन्होंने कहा कि यादों के गुब्बारे और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पर लिखी किताब जल्द ही रिलीज होगी. दीपक कुमार देसाई ने इस शुभकामना संदेश के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड राज्य सरकार और उत्तराखंड के लोगों को धन्यवाद दिया. वहीं दीपक कुमार देसाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की छत्र छाया और सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य की प्रगति और विकास की कामना की. इसके साथ ही उन्होंने एक गौ भारत भारती के अध्यक्ष संपादक संजय अमन का आभार व्यक्त किया. उत्तराखंड राज्य के सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा एक शुभकामना संदेश, मेरी आने वाली पुस्तक यादों के गुब्बारे का दूसरा संस्करण एवं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर लिखी गई मेरी पुस्तक के लिए शुभकामना संदेश मुझे प्राप्त हुआ है. उन्होंने सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी ने मेरी आने वाली दोनों पुस्तकों के लिए शुभकामना संदेश भेजा है और उसमें उन्होंने मेरे लेखन प्रवृत्ति के लिए प्रशंसा लिखी है. साथ में गो भारत भारती के प्रकाशन के लिए भी उन्होंने शुभकामना संदेश भेजा है. संदेश के लिए मैं उत्तराखंड राज्य के सीएम चीफ मिनिस्टर श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, उत्तराखंड राज्य की सरकार का, उत्तराखंड की समस्त जनता का आभारी हूँ और उनके प्रति मैं सब
शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और छत्रछाया में और श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे, विकास करता रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं उत्तराखंड राज्य के लिए है। साथ में मैं को भारत भारती के अध्यक्ष एडिटर श्री संजय मान जी का भी आभारी हूँ और उनके प्रति मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पारडी रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज का काम पिछले 10 दिनों से धीमी गति से चलते, क्या मॉनसून से पहले ब्रिज का काम पूरा होगा कि नहीं, इस पर तंत्र के सामने उठे सवाल। गदर कार्य में उपयोग किए जाने वाले कुछ पियर पार्ट्स कम पड़ते पुल का काम 10 दिनों से बंद है। किसान दिलीप भाई देसाई ने यह जानकारी दी। वलसाड़ के घड़ोई गांव में कपड़े सुखाते समय करंट लगने पर सास ने बहू को बचाया, लेकिन सास की मौत हो गई। घर के सामने तार पर कपड़े सुखाते समय बिजली के खंभे से करंट पास होते बहू को करंट लगते अस्पताल ले जाया गया। उदवाड़ा भगिनी समाज स्कूल में पढ़ाई कर दो छात्र डॉक्टर और पीएसआई बनकर नाम रोशन किया। प्रीति वसावा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बनी और जयश्री पुरोहित पुलिस सब इंस्पेक्टर बनी। तो ये थी अब तक की खबरें, फिर मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए तमन न्यूज़। नमस्कार।